और उसके बाद स्टार्ट किया था माइनर और कोफैक्टर। माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, ये तो समझा गया था। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, उसके जो यूज थे वो कर रहे थे। तो अभी रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन फिर से लेंगे, कोफैक्टर, माइनर और उसका यूज, वही कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे आज एक क्वेश्चन और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो कॉपी पेन निकाल लें, स्टार्ट करें, देखें क्वेश्चन जरा क्या आते हैं वो कोफैक्टर और माइनर कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें, रिवाइज कर लें। फिर अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कोफैक्टर माइनर का, कोफैक्टर और माइनर का एक एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टी का यूज, क्या वो प्रॉपर्टी है, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, क्या है, गुड मॉर्निंग बेटा, जय हिंद। तो चलिए बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लो कोई अपना डिटरमिनेंट है, टू थ्री फाइव थ्री फोर सेवन वन टू थ्री। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ये कितना आ रहा है, ये डिटरमिनेंट आएगा अपना कितना, सॉल्व कर लें इसको, टू, ये वाला कॉलम ये वाली रो हट जाती है, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व माइनस सेवन टू या फोर्टीन, ये माइनस का थ्री आएगा, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगा, तो तीन तक नौ माइनस सेवन प्लस का फाइव लेंगे, ये वाला एलिमेंट फाइव, तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, सिक्स माइनस फोर, तो आंसर कितना आया, ट्वेल्व माइनस फोर्टीन माइनस टू, दो दूनी माइनस की चार, नौ में सात दो, तीन दूनी माइनस की छह, प्लस छह में चार दो, पांच दूनी दस, छह और चार दस, माइनस की दस और प्लस की दस, आंसर जीरो आ रहा है। देखो जरा, देखो आंसर जीरो आ रहा है क्या। जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग, डिटरमिनेंट को चेक करो, आंसर जीरो आ रहा है क्या, चेक करो बेटा आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग उपेंद्र, दुर्गेश, ब्रजेश, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, योगेश ने जवाब दे दिया है कि जीरो आंसर आ रहा है। अमित ने जवाब दिया जीरो। नीतीश, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके बेटा दुर्गेश, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको जरा अपन देखते हैं। हमने बोला था कि इसके को फैक्टर और माइनर निकालना है। मान लो हमने निकाला एम वन वन, एम वन वन में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, कितना आएगा, फोर थ्री या ट्वेल्व माइनस सेवन टू या फोर्टीन, बचेगा माइनस टू, और एम वन वन निकाला, एम टू वन निकाला, मान लो एम टू वन, एम टू वन, एम टू वन निकाला, मान लो एम टू वन, एम टू वन निकाला, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बचेगा, तीन तक नौ माइनस पांच दूनी दस, यानी कि माइनस का वन। एम थ्री वन निकाला, एम थ्री वन, एम थ्री वन का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा, सात इक्कीस माइनस चार पंज बीस, तो बचिया वन प्लस का वन। अभी यहां से अगर सी वन वन निकालते तो सी वन वन आता अपना सी वन वन, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, और साथ में एम वन वन, तो एम वन वन कितना था, माइनस टू, तो आंसर आएगा माइनस टू। सी टू वन निकाला, सी टू वन, सी टू वन कितना आएगा, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, और एम टू वन, एम टू वन, तो टू प्लस वन थ्री हुआ, निगेटिव वैल्यू बचेगी, एम टू वन माइनस वन आया था तो प्लस का वन हो जाएगा। सी थ्री वन निकालोगे तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, और एम थ्री वन लिखेंगे
तो 3 + 1 4 हो गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू बचेगी तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, योगेश शर्मा ये पता नहीं क्या, मन मानस वन पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अवनीश राम राम बेटा, तो ये M11 योगेश शर्मा ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ये 1 1 क्या चीज की वैल्यू लिख रहे हैं पता नहीं है। ब्रजेश बघेल -2 लिख रहे हैं, पता नहीं किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, -2 पता नहीं है कुछ। हाँ तो ये माइनर को फैक्टर क्लियर हो गए। हाँ अब ठीक है, माइनर लिखा -2 -1 1 -2 -1 1 बिल्कुल सही है। हाँ और को फैक्टर लिखो ब्रजेश, ब्रजेश बघेल को फैक्टर लिखो कितने आ रहे हैं, ब्रजेश बघेल को फैक्टर लिखो कितने आ रहे हैं। ब्रजेश को फैक्टर है -2 1 1 -2 1 1 बिल्कुल सही है। चलो बेटा तो लास्ट टाइम ये जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि क्वेश्चन ऐसा होता है अपना कि मान लो ये लिखा हुआ रहेगा A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन इसके ऐसे होते हैं डेल्टा -डेल्टा 2 डेल्टा डी नन नन। तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या आता है। हाँ योगेश सही है बेटा, सही कह रहे हो, हमने लिख तो दिया था, वो किसी ने भी जवाब दिया जो भी दिया वो ठीक है, बाकी तो योगेश तुमने सही बोला कि हमने आंसर लिख दिया था। अभी बताओ योगेश ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमन सिंह चौहान ने बिल्कुल सही बोला है कि डेल्टा आंसर आएगा, दुर्गेश बोल रहे हैं ए आएगा, डेल्टा आएगा यानी कि ये आंसर बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। अवनीश कुमार 0 तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है बेटा, अवनीश ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अवनीश ब्रजेश बघेल का, ब्रजेश बघेल डी कह रहे हैं, डी पता नहीं क्या कह रहे हैं। 1 का 0 से बेटा बात नहीं बनेगी। भानु कुशवाहा सोनू बघेल 0 से काम नहीं बनेगा, ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन उससे काम बनेगा, ऑप्शन से डी नहीं आएगा, डी इसका आंसर ए है, ब्रजेश बघेल डी आंसर नहीं है, उसका आंसर ए है क्योंकि डेल्टा के बराबर आता है हमेशा। समझ आ गया बेटा ये, तो ध्यान रखो ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान दो बेटा, डेल्टा आएगा ब्रजेश बिल्कुल सही है। उपेंद्र ने कहा ए, नितेश भी कह रहा ए, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई बेटा आप सबको। अब ये वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, कोफैक्टर माइनर और उसका प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ओके बेटा ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट था आपने बताया था आज के लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो कल बताया था वो था प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म। ओके बेटा तो चलिए बेटा आगे बढ़ो, लिखो ये इसको सारणिक के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट 1 by 1 इनको पढ़ लो, ये काम आती है, कभी कभी डायरेक्ट इन प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर ऐसा कभी हो 0 0 0 ABC PQR ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0,
डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है जीरो। अगर कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स जीरो हों तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। उपेंद्र बेटा लिखो ये प्रॉपर्टी नंबर वन, कोई भी डिटरमिनेंट के ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है, कोई भी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, पहली प्रॉपर्टी लिख लिया। पहली प्रॉपर्टी नोट कर ली। प्रॉपर्टी नंबर टू, कोई भी डिटरमिनेंट है ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। कोई भी दो रो आपदा सेवन, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। कोई भी दो रो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम एक सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। योगेश ने बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम जीरो होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। उपेंद्र ठाकुर ने लिखा है प्रॉपर्टी नंबर टू जीरो। चलिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, डिटरमिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, डिटरमिनेंट की रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो डेल्टा के इक्वल ही रहती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, डेल्टा के इक्वल रहती है। किसी डिटरमिनेंट में सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने पर, रो को कॉलम में बदलने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, सेम रहती है, प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री नोट कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर थ्री नोट कर ली बेटा उपेंद्र, प्रॉपर्टी नंबर थ्री नोट कर ली। प्रॉपर्टी थ्री नोट कर ली। कोई डाउट आउट तो नहीं है? कुछ नहीं चेंज होता, सेम टू सेम रहता है बेटा। सेवन सेकंड बाद रो को कॉलम में चेंज करने पर कुछ चेंज नहीं होता, सेम टू सेम डिटरमिनेंट वही वैल्यू रहती है, सेम वैल्यू रहती है। चलिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर फोर पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर, कोई डिटरमिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसको ऐसा लिख ले पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या किया इसमें, फर्स्ट रो को सेकंड प्लेस पर रख दिया है, सेकंड रो को फर्स्ट प्लेस पर रख दिया है, तो ऐसा करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा माइनस। कोई भी दो पास वाली रो को, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर, सोनू बघेल क्या कहना चाह रहे हो, इंग्लिश में इसको क्या बोलना है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलती है, केवल साइन चेंज होता है। अभी एकदम थ्रू आउट इंग्लिश बोलेंगे तो तुम्हें भी पल्ले नहीं पड़ेगा सोनू बघेल, ध्यान रखना।
उपेंद्र ताकर क्या समझ नहीं आया तुम्हें? उपेंद्र तुमने नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं इसमें कौन सी हिंदी लिखी हुई है इसमें? अभी सोनू इसमें कौन सी हिंदी लिखी हुई है यहाँ पे? तुम जो कह रहे हो कि इंग्लिश में भी प्रॉपर्टी को लिखवाओ, इसमें कौन सी हिंदी लिखी हुई है यहाँ? हाँ वो तो चलो हो गया बेटा, अभी आगे बढ़ो। प्रॉपर्टी नंबर 5 ए बी सी प्लस डी पी क्यू आर प्लस एस एक्स वाई जेड प्लस के, इसको ऐसा दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड प्लस प्लस ए बी बी पी क्यू एस एक्स वाई के। कोई भी डिटरमिनेंट अगर है, कोई भी एक डिटरमिनेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट है और कोई भी एक कॉलम दो एलिमेंट का सम दिया हुआ है, दो दो एलिमेंट का सम दिया हुआ है किसी डिटरमिनेंट में, ओके बेटा ओके ओके बहन कोई दिक्कत नहीं है, वो नेट की प्रॉब्लम होती है कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो किसी डिटरमिनेंट में कोई भी कॉलम या रो ऐसा दो दो एलिमेंट का सम होता है, तब उस डिटरमिनेंट को ऐसे दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आ गया? प्रॉपर्टी नंबर 6 डिटरमिनेंट दिया हुआ है मान लो अपना पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी, उसमें मान लो मल्टीप्लाई कर दें हम, के का मल्टीप्लाई कर दें, के का मल्टीप्लाई के ए के पी चलो के पी के क्यू के आर और ये एक्स वाई जेड ऐसे लिख दें, ये ए बी सी को भी ऐसे लिख दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है, यानी कि के से फिर के का डिवाइड भी करना पड़ेगा, के का डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गया? सरा का फोटो चाहिए, ताकि नहीं किताब का, तो किताब तो वही रहेगी ना, खसरा की तो वो चाहिए ना, कर बस वहां पे जो झिंगुरी वगैरह थे उनसे तो पूछ लेती है कि किताब तो जी चल जाएगी और खसरा की कॉपी है तो खसरा की कॉपी निकलवा के दे देंगे। हाँ तो हम नहीं बात करेंगे, जमा कर देंगे मैं। हाँ हाँ
हाँ तो ब्रिजमोहन से बोल दिए, वो नंबर हमें दे देगा, तो बात कर लेंगे उससे। बेकार है रखना, इनसे ना होगी तो अपना फोटो कॉल करवा लेंगे पूरी। वो तो फोटो कॉपी होते हैं ना, तो वो तो हम फोटो कॉपी करवा लेंगे दूसरी। और क्या समझा, फोन करवा दिया। अभी हम कोचिंग पे हैं, ठीक है, मतलब और बात कर लेंगे बाद में। हाँ संजय के पास बात करवा दी तुझे मुझसे। हाँ दीवान, हाँ दीवान सब चीजें दिख रही हैं कार से। हाँ ठीक है, और कौन से बात और कर लेंगे। हाँ बेटा ये नोट कर लिया, ये शिवम से करवा, सर रो में भी होगा डिवाइड। अरे बेटा फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड हो गया है, किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी एक रो में शिवम से करवा, किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाहर करना पड़ेगा। किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में भी कर सकते हैं। शिवम से करवा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। किसी भी एक रो में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में भी कर सकते हैं। एक ही रो में या एक ही कॉलम में होगा ये, समझ में आ गया। ये एक ही रो एक ही कॉलम में होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो में ही होगा, किसी भी रो में हो सकता है वो। कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो में ही होगा, वो किसी भी रो में हो सकता है, किसी भी रो में, ठीक है। फर्स्ट रो में होना कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी रो में हो सकता है। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर, और ये पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, आर वन को चेंज किया है आर वन प्लस आर टू से, आर वन को चेंज किया है आर वन प्लस आर टू से चेंज कर दिया है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट रो को सेकंड रो में, फर्स्ट रो में सेकंड रो को प्लस कर दिया है और फर्स्ट रो की जगह पे लिख दिया है। फर्स्ट रो में सेकंड रो को प्लस करके फर्स्ट रो की जगह पे लिख दिया है। ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, सेम रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 नोट कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 7 सबने नोट कर ली। ओके बेटा तो चलिए जरा इसका यूज देखते हैं। यूज अभी फिलहाल यहां लिख देते हैं, सिंपल समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल मान लो लिया हमने ये ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी। ऑप्शन दिए होंगे तब तो कर ही लोगे। मान लो इसको हमने चेंज किया तो आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो क्या आ जाएगा ये वाले एलिमेंट के साथ ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, प्लस का ए माइनस का ए कटेगा,
माइनस का भी प्लस का भी कटेगा, माइनस का सी प्लस का सी कट जाएगा तो बचेगा जीरो। ऐसे ही प्लस का भी माइनस का भी कटेगा, माइनस का सी प्लस सी कट जाएगा और ये कट जाएगा तो यहाँ भी आएगा जीरो। ऐसे ये आ जाएगा जीरो, इधर क्या बचेगा अपना बी माइनस सी, सी माइनस ए, इधर बचेगा ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सारे एलिमेंट जीरो आ गए हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा जीरो। प्रॉपर्टी नंबर सेवन का एग्जाम्पल समझ आ गया, प्रॉपर्टी नंबर सेवन का एग्जाम्पल समझ में आ गया, आंसर जीरो आएगा। भानु दाकड़, अमन सिंह, अवनीश, प्रॉपर्टी नंबर सेवन का एग्जाम्पल समझ में आ गया, नोट कर लिया क्या? चलो बेटा जल्दी से नोट कर लो, प्रॉपर्टी नंबर सेवन का एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी नंबर सेवन और फर्स्ट दोनों का यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर सेवन और प्रॉपर्टी नंबर वन दोनों का ही यूज हो रहा है इसमें, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर सेवन और प्रॉपर्टी नंबर वन दोनों का यूज हो रहा है, ये सबको समझ आ गया डिटरमिनेंट? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? अमन सिंह ने तो आंसर दे दिया जीरो, उपेंद्र का भी आंसर आ गया जीरो, बाकी बच्चे कुछ कर नहीं रहे, पता नहीं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया ये? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, बोलो इसकी वैल्यू क्या है? योगेश अपनी सब कह रहे हैं कि समझ आ गया, चलिए बेटा इसका आंसर बोलो कितना आ रहा है? ऑप्शन दे रहे हैं क्या? पहला ऑप्शन वन, दूसरा ऑप्शन ओमेगा, तीसरा ऑप्शन ओमेगा स्क्वायर, चौथा ऑप्शन जीरो। चलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? आदित्य तोमर, अमन सिंह सबने जीरो जीरो लिखा है, पता नहीं कौन से का आंसर जीरो बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है? ऐसा बोलो टू का, टू का आंसर क्या है? अमन सिंह चौहान सही है बेटा, आदित्य सबने बोला टू का जीरो, अवनीश ने भी बोला टू का डी यानी कि जीरो, सही है। अमन सिंह, ब्रजेश बघेल सभी बोल रहे हैं आंसर आ रहा है इसका जीरो। आदित्य किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यस योगेश सबका आंसर आ गया है जीरो, बिल्कुल सही है। दिक्कत हो तो बेटा इसको ना आर वन चेंजेस टू वही आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर देना, एंड ये पता होना चाहिए कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो तीसरा एग्जांपल है मान लो अपना वन वन वन, तीसरा एग्जांपल डिटरमिनेंट इक्वल टू वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? पहला ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन ए बी सी, तीसरा ऑप्शन ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, चौथा ऑप्शन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलो थर्ड वाले का आंसर बोलो क्या है? थर्ड वाला
थर्ड वाले का आंसर बोलो क्या आएगा। थर्ड, ये जो थर्ड लिखा हुआ है यहां पर थर्ड, इसका बोलो आंसर क्या आएगा। आदित्य ने जवाब दिया थर्ड का डी। नीतेश कह रहे हैं बी। नीतेश बी जो कह रहे हो बी वो गलत है। शिवम से करवा कह रहे हैं बी वो गलत है। कपिल दुबे ने क्या बोला है। थ्री का डी बोला है कपिल ने, बिल्कुल ठीक है। आदित्य ने भी बोला है थ्री का डी। सोनू बघेल बोल रहे हैं थ्री का डी, ठीक है। अवनीश कुमार थ्री का बी गलत है, डी सही है। थ्री का डी सही है बिल्कुल। थ्री का जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। थ्री का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बेटा यहां आप बताते हैं तुम्हें ट्रिक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिक। इसकी ट्रिक अभी से समझ लो। पहला क्वेश्चन सामने आया है तो ट्रिक को अभी समझ लो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा अपने पास, एबीसीडी वाला कोई क्वेश्चन होगा, आयुष उपाध्याय डी तो सही है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आएगा एबीसी में या एक्स वाई जेड में, तो इसको कोई भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है। प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, फिर क्या करना है। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू थ्री ले लो और सॉल्व कर दो। आंसर आ जाएगा अपने आप डिटरमिनेंट। ये वन 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 है ये एबीसी, वन टू थ्री हो गया, ए स्क्वायर वन फोर, थ्री थ्री नाइन आ गया। अभी सॉल्व कर दो कितना आ रहा है ये वन, नौ दूनी अठारह, चार तीन बारह, अठारह माइनस बारह माइनस वन, नौ माइनस चार प्लस का वन, तीन माइनस दो कितना आ गया, एट्टीन माइनस ट्वेल्व सिक्स, नाइन माइनस फोर फाइव, थ्री माइनस टू वन, सिक्स वन सेवन माइनस फाइव आंसर आ गया टू। अभी देखो बेटा यहां से आंसर तो टू आने वाला है नहीं है, यहां से भी आंसर टू आने वाला नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां से भी टू नहीं आएगा, इसमें से टू आ जाएगा। डी ऑप्शन में देखो ए माइनस बी वन माइनस टू, बी माइनस सी टू माइनस थ्री, सी माइनस ए थ्री माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू टू, थ्री माइनस वन टू, आंसर आ रहा है टू। यानी कि डी आंसर जो आया वो सही है। समझ में आ गया, सभी कह रहे थे थ्री का डी। एक ट्रिक समझ आ गई क्या सबको। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये जो ट्रिक है वो समझ आ गई क्या। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये ट्रिक समझ आ गई कि नहीं। ये वाली ट्रिक समझ आ गई कि नहीं। नीतेश ने बोला यस सर। चलिए बेटा अगर ये समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन देते हैं, अगला एक क्वेश्चन देते हैं, जरा ट्राई करो एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ये ट्रिक समझ आ रही सबको। क्वेश्चन लिखो बेटा क्वेश्चन। b
plus C A A. C plus A. C plus A B. C A plus B. बताओ इसका आंसर क्या है. पहला ऑप्शन है इसका A B C. दूसरा ऑप्शन 2 A B C. तीसरा ऑप्शन 4 A B C. चौथा ऑप्शन चलो 3 ABC. बोलो क्या आंसर इसका है. क्वेश्चन सामने दिखा हुआ है बेटा, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है. ये B plus C है, B plus C. ये B है, B plus C, A A B, C plus A B, C C A plus B. सोनू बघेल बी कह रहे हैं, बी गलत आंसर हो गया. आदित्य तोमर 4 का सी कह रहा है, 4 का सी, 4 का सी ठीक है. आदित्य तोमर 4 का सी तुमने जो आंसर दिया वो सही है. आयुष ने भी सी बोला है, वो सही है. तो इसका सही आंसर है सी. आयुष उपाध्याय ने सी बोला है तो सी सही इसका आंसर है. सही इसका आंसर है सी. देख लो बेटा, अभी बोला था हमने क्या करना है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 रखना है. तो क्या आएगा डिटरमिनेंट यहां पर, b plus c, b plus c होएगा 3 2 5 और b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, a कितना है 1, a कितना है 1, c plus a, c plus a कितना 3 और 4, b कितना था 2, c कितना था 3, a plus b कितना है 3. अब इसको सॉल्व कर लो, ये 5 आ गया, 4 3 12 3 2 6, 12 minus 6 बच गया 6 minus 1, 3 2 6 minus 3 2 6 0 हो जाएगा, 3 2 6 10 का 1 बच गया, 3 2 6 minus 4 3 12 minus का 6 बचेगा, 6 5 जा 30 minus 6 1 जा 6 30 minus 6 24 आंसर आएगा. और ये 24 तभी आएगा जब 4 into a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 लिख देंगे. 4 2 8 8 24 आ गया अपना 4abc. तो सही इसका आंसर है c, यानी कि 4abc. ये ट्रिक समझ आ रही सबको, ये वाली ट्रिक सबको समझ आ रही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये ट्रिक सबको समझ आ रही क्या, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, पहली ट्रिक डिटरमिनेंट के लिए पहली ट्रिक समझ में आ गई क्या. 24 यानी कि सी आंसर आएगा. ब्रिजेश डिटरमिनेंट को, दुर्गेश बेटा ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3 रख दो. बेटा ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3 रख दो. ये ट्रिक सबको समझ आ रही, सब बच्चे कह रहे हैं यस सर. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं. X plus 1, X plus 2, X plus 4. X plus 3, X plus 5, X plus 8.
plus 7, x plus 10, x plus 14. इसका बताओ कि आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है इसका 2, दूसरा ऑप्शन है minus 2, तीसरा ऑप्शन है x square minus 2, चौथा इसका वही none. चलो बेटा बताओ क्या है ये? आदित्य बेटा हर क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं. आदित्य शर्मा हर क्वेश्चन में इस तरह का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ओनली x है, तो x की कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी एक वैल्यू ले लो और आंसर आ जाएगा. चलिए बेटा देखते हैं कैसे. x की कोई भी वैल्यू ले लो, हर क्वेश्चन में काम करेगा ये, हर तरह का काम करेगा. x की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी. तो मान लो x की वैल्यू ले लिया हमने, x इक्वल टू ले लिया 1, x इक्वल टू ले लिया 1, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया अपना 1 plus 1 2, 1 plus 3 4, 1 plus 7 8, 1 plus 2 3, 1 plus 5 6, 10 और 1 11, 4 1 5, 8 और 1 9, 14 1 हो गया 15. सॉल्व कर लो कितना आ रहा है 2, 15 छक्के 90 और 99, 91 माइनस की 9 माइनस 3 माइनस 3, ये कट गया, ये कट गया, 15 इंटू 4 15 चौक 60 और 8 9 72, 60 माइनस 72 माइनस की 12 प्लस की 5, ये कट गया 44 और 48 माइनस की 4 माइनस 4 माइनस का 18 प्लस का 12 चौक 36 5 चौक 20, कितना बच रहा है 18 और 20 कितने हो गए, माइनस की 38 प्लस की 36 माइनस का 2 आंसर आ रहा है, माइनस 2. बोलो कौन सा आंसर है? योगेश ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, जल्दी से आंसर दे दिया, माइनस 2 है इसका आंसर, माइनस 2 आंसर आ रहा है, माइनस 2. सोनू बघेल ए बोल रहे हैं, भानु कुशवाहा ए बोल रहे हैं, ए में तो 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं है, माइनस 2 आंसर है इसका, माइनस 2. सोनू बघेल ए इसका आंसर नहीं है, बी इसका आंसर है. भानु कुशवाहा हाँ बेटा बी इसका आंसर है, माइनस 2, समझ गए, 2 नहीं है, माइनस 2 इसका आंसर है. तो ये क्लियर हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है. ये एक्स वाई जेड जहां भी है, एबीसी जहां भी है, कोई सी वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, किसी कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है. बी सही है. चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं. एक क्वेश्चन और लेते हैं. वन 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 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. पहला ऑप्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी. दूसरा ऑप्शन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी. तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए. चौथा ऑप्शन इसका है नन, चौथा ऑप्शन है नन.
आदित्य शर्मा बिल्कुल एक्स की वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हैं। आदित्य शर्मा एक्स की वैल्यू कोई भी निगेटिव भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, सॉल्व करके देख लेना। एक्स की वैल्यू कोई भी निगेटिव वैल्यू लेके भी सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर -2 ही आएगा। समझ में आ गया? वो सही है, अगर माइनस की वैल्यू लेते तो वैल्यू और छोटी आ सकती थी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ये एग्जांपल नंबर जो 1 दिख रहा है उसका आंसर बोलो क्या है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। चलो बेटा एबीसी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बताओ, एबीसी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके चेक करके बताओ बेटा, 1 मिनट का टाइम है, क्या आंसर होना चाहिए सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व कर लो। नीतीश कह रहा है सी आंसर है इसका, अमन सिंह कह रहे हैं डी, नीतीश कह रहा है सी, अमन कह रहा है डी, और सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करके देखो, तुक्के नहीं लगाओ, क्वेश्चन की शक्ल देख के तुक्के मत लगाओ। ये आदित्य तोमर कह रहा है 6 का सी, अब ये 6 कहां पर है, यहां हमने तो नंबर 1 डाला हुआ है, सीक्वेंस तो हम भूल गए, यहां पर हमने नंबर 1 डाला हुआ है, तो 1 का आंसर लिखो आदित्य। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो उसको, देखो कितना आंसर आ रहा है। आदित्य 1 का लिखो, 1 का आंसर लिखो। दुर्गेश ने बोल दिया सी, दुर्गेश बोल रहा है सी। बेटा ये सॉल्व करके देख लिया है कि डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हो, भानु ने बोला है 1 का सी, सॉल्व करके देख लिया है। अमन कह रहा है डी ही है, हाँ बेटा 53 आ रहा है, तो सी ऑप्शन रखने में 53 आ रहा है क्या, सी में 1 2 3 5 6 और 6 2 12 53 नहीं आ रहा होगा। योगेश डी कह रहे हैं, योगेश डी कह रहा है, और ये दो बच्चे ने भी डी बोला था, बाकी बच्चे सी कह रहे हैं। योगेश, अभी योगेश कह रहा है डी, बेटा ये बताओ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया है कि ऐसे ही आंसर लिख रहे हो केवल। अनमोल कह रहा है डी, बोलो बेटा भानु सब लोग ये बताओ, जो सी आंसर डी बोल रहे हो, सॉल्व करके देखा है कि डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, आंसर बोल रहे हो, सॉल्व किया है कि आंसर लिख रहे हो केवल। दुर्गेश कह रहे हैं सॉल्व किया है, तो कह रहे हैं 12 आ रहा है, 12 तो 6 2 12 बिल्कुल सही है, यानी कि सी आंसर आएगा फिर तो। ठीक है बेटा, सॉल्व करके देखा करो। योगेश कह रहे हैं आंसर मैच नहीं किया, कैसे आंसर मैच नहीं किया। अमन कह रहा है डी आ रहा, चलो बेटा देखते हैं। तो मान लो वैल्यू रखी हमने 1 2 3, तो ये आ गया 1 1 1 है ही, ये हो गया 1 2 3। अमन, अमन सिंह चौहान बेटा अब थोड़ा देख लो सॉल्यूशन, तुमने डी कह रहे हो, बाकी सब सी कह रहे हैं, तो तुम्हारे लिए हम सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक, आई योगेश भी कह रहा है कि इसीलिए डी होगा, डी है, तो बेटा चलो देखते हैं अभी, अमन सिंह और योगेश तुम्हारे लिए चेक कर रहे हैं, 1 2 3 और ए क्यू, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब होता है 27। सॉल्व करते हैं तो ये बना रहा 27 × 2 = 54, 8 3 = 24 -1, इसको लिया तो 27 - 3 प्लस का 1 लिया 8 - 2 54 - 24 कितना हुआ
30, 27 माइनस 3 कितना हुआ 24, माइनस 24, 8 माइनस 2 हुआ 6, तो एक तरह से 36 माइनस 24 आ रहा है, 36 माइनस 24, तो ये आंसर तो अपना 12 बच रहा है, 12, और 12 जो आंसर है वो सी ऑप्शन से आ रहा है, देखो सी ऑप्शन से कैसे आ रहा है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस 3, और अभी अभी इसको सॉल्व करके बताया था तो 2 आंसर आया था, तो 6 इंटू 2 12 हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो सी आंसर आ तो रहा है, क्या दिक्कत थी बेटा, 36 माइनस 24 12 ही तो होता है, तो सी आंसर आ रहा है, डी कहां से आएगा, अमन सिंह चौहान, और ये कौन तो बालक बोल रहा था अभी डी आ रहा है, अखिलेश, अखिलेश कह रहे हैं डी, सिक्सटी ए आ रहा है, शिवम शिकरवार कहां से आ गया जरा चेक कर लो अब तो, अखिलेश डी कहां से आ रहा था चेक कर लो, अमन सिंह चौहान हमने बोला था कि अभी तुम्हारे लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, बता बेटा कहां से गलती हो गई, क्या गलती हो रही थी, चेक कर लो जरा, चलो चेक कर लो बेटा, चेक कर लो क्या गलती हो रही थी, चेक कर लो बेटा कहां गलती हो रही थी, क्या दिक्कत थी, शिवम से करवाया डी आ रहा है, कहां से आ गया डी, हाँ बेटा दुर्गेश तो सही है, बाकी अमन सिंह चौहान और अखिलेश डी कह रहे हैं, ये पता नहीं कहां से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि क्या करना है, अगला क्वेश्चन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर पहला ऑप्शन, पहला इसका आंसर ए बी सी, पहला ए बी सी, दूसरा आंसर 4 ए बी सी, तीसरा आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और चौथा इसका आंसर है मान लो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चलो बेटा बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो गलती हो गया वो, चलो कोई बात नहीं है, अभी तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर बोलो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लोगे बेटा इसे, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे सॉल्व कर लोगे, चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन दिए हुए हैं चेक कर लेना, जो ट्रिक बताई है उसका यूज करना, कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना, ओनली जो ट्रिक बताई है उसी का यूज करना, और चेक करना है स्पीड चेक करना, और देखना है कि एक मिनट के अंदर ये आंसर आ रहा है कि नहीं, इसका आंसर एक मिनट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आए तो कल बताना, आज की बात ये रुकते हैं, कल मिलते हैं, कल आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट के आगे कॉन्सेप्ट कल करेंगे, आज की बात ये रुकते हैं, ओके बेटा थैंक यू फॉर टुडे।